माँ कहकर के भिक्षा ले आता है और आकर के गुरु की झोली में डाल देता है। प्रेमी साथियों, अब तो गुरु आदेश करते हैं कि गोपी चंद तेरा जोग सफल हो चुका है, लेकिन जल और साधु एक जगह नहीं रुक क्या करते, अब हमें इस स्थान को त्यागना होगा और दूसरे स्थान पर चलना होगा। मेहरबानो, गुरु अपनी जमात के साथ में चल देते हैं और चलते चलते उसी नगर में पहुंच जाते हैं जिस नगर में गोपीचंद की बहन चंद्रावल ब्याही हुई थी। अब तो अपनी बहन की ड्योढ़ी पर होकर के अलख जगाता है वो गोपीचंद, तो अंदर से बांदी निकल के आती है। बांदी से कहने लगा कि बांदी जाइए और जाकर के अपनी महारानी चंद्रावल से कहिए कि उसका भाई गोपीचंद उसके द्वार पे खड़ा हुआ, पता नहीं हम जोगियों का कब फेरा लगे ना लगे, मैं अपनी बहन के दर्शन करना चाहता हूं और उसके हाथ से भिक्षा लेना चाहता हूं। मेहरबानों, ऐसी बात को सुनकर के वो बांदी पास में एक बांस पड़ा हुआ था और बांस को उठा करके गोपीचंद के नंगे बदन पर मार देती है। अरे कहां का मोड़ा है तू जो हमारी रानी का भैया बनता है, हमारी रानी का भैया तो बहुत बड़ा राजा है। मेहरबानों, बांस को पकड़ लेता है और समझाने लगा कि याद कर उस दिन को जब चंद्रावल की शादी हुई थी और उस शादी में मोल खरीद करके दहेज के रूप में मैंने तुझे सेवक के रूप में दहेज में दिया था, मैं वही धारा नगर का गोपीचंद हूं, मुझे पहचानने की कोशिश कर। और किस तरह से मेहरबानों बताने लगा तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं और भागी दौड़ी हुई जाती है और जाकर के रानी चंद्रावल से वो बांदी कहने लगी कि माथे पर चंदन चढ़ा हुआ है, हाथ में चिमटा ले रहा है, तन पर भस्म रमी हुई है, मुझे तो गोपी चंद नजर आता है। क्या बताने लगी, क्या कहने लगी, आइए रागिनी के द्वारा क्या लिखा। माथे पे चंदन चढ़ा हुआ, और ड्योढ़ी पे साधु खड़ा हुआ, मुझे गोपी चंद नजर आए, मैं क्या करूं, मैं क्या क्या करूं, मैं क्या। माथे पे चंदन चढ़ा हुआ, ड्योढ़ी पे साधु खड़ा हुआ, मुझे गोपी चंद नजर आए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या। ओ असली नाथ बना नाथो में, ओ असली नाथ बना नाथो में, वही चढ़री में है चार दांतो में, ओ चढ़री में चार दांतो में, बातों में मिश्री घोल रहा तने बे 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 बोल रहा, बातों में मिश्री घोल रहा तन बे 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 बोल रहा, ना होता बंद नजर आए, मैं क्या करूं, मैं क्या, मैं क्या करूं, मैं क्या। चिमटा टेक दिया मने जब से साधु देख लिया, डोडी पे चिमटा टेक दिया मने जब से साधु देख लिया, ना घर की धंध नजर आए, मैं क्या करूं, मैं क्या, मैं
उस मूरत में महारानी संत की सूरत में सूरत की उस मूरत में सारा आनंद नजर आए मैं क्या करूं शंकर की सेवा से इस ठान मिठाई सेवा से गौरी शंकर की सेवा से तिरुकत ते फंद नजर आए मैं क्या करूं मैं क्या